तो जैसे ही आप लोग जो अपने GTA San Andreas नेटफ्लिक्स गेम को अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे इसका जो रिसोर्स पैक है उसको डाउनलोड कर रहे हैं कि आपका रिसोर्स पैक यहाँ पे आगे बढ़ नहीं रहा है, इनका डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेरा डेफिनेशन एडिशन का जो यहाँ पे रिसोर्स पैक है GTA San Andreas को यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। यहाँ पे ये इससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आपको भी सेम इशू आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप लोगों को आपका जो यहाँ पर रिसोर्स पैक है वो किस प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड करना है एंड क्या ट्रिक एंड मेथड आप लोगों को फॉलो करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्स पैक आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है मेट्रिक को यूज़ करने के बाद एंड आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करें तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना मोर फॉर अपडेट्स के लिए। सो गाइज बात करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जो GTA San Andreas की यहाँ पे ऑफ फाइल है वो यहाँ पे क्यों डाउनलोड, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे GTA San Andreas है जैसे मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे इसका जो रिसोर्स फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रही और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ एंड आप लोग भी इसी तरीके से परेशान हो गए होंगे कि ये यहाँ पे डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ट्रिक्स एंड मेथड बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपकी यहाँ पे रिसोर्स फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या ट्रिक एंड प्रोसेस, ध्यान से देखना वीडियो के यहाँ पे जो वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट हो चुका है। लोगों को क्या करना है अगर आप लोगों का यहाँ पे रिसोर्स पैक जो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है आपके किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर, तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को GTA San Andreas की ऐप इन्फो में आना है एंड यहाँ पे आप लोगों को आपकी जो परमिशंस वगैरह आप लोगों को यहाँ पे चेक करनी है। अगर आपकी परमिशन यहाँ पे अलाउ नहीं है तो आप लोगों को फाइल एंड मीडिया वाली जो परमिशन अगर आपकी ऑफ होगी तो आप लोगों को इसको यहाँ पे अलाउ कर देना है। इतना सब करने के बाद आपको बैक आना है एंड बैक आने के बाद आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाना है एंड वहाँ पर आप लोगों को चेक करना है कि आपके जो फाइल मैनेजर की स्टोरेज है वो यहाँ पे कम्प्लीटली फुल हो रखी है तो अब भी आप लोगों का जो रिसोर्स फाइल है यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना। आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे फुली हो चुकी है एंड मेरे को यहाँ पे इसी वजह से ये एरर देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों को दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर इतना करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती तो फिर आप लोगों को तीसरी ट्रिक में क्या करना है आप लोगों को आपका जो GTA San Andreas है उसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है एंड अपने अनइंस्टॉल करने के बाद आपको GTA San Andreas को दोबारा से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अपने GTA San Andreas को यहाँ पे दोबारा से ऐप इन्फो में जाना एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना आप लोगों को यहाँ पे क्लियर ऑल कैच उसका ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो GTA San Andreas का रिसोर्स पैक है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है एंड मेरे को किसी प्रकार का कोई एरर इसके ऊपर शो नहीं हो रहा है। तो ये ट्रिक एंड मेथड फॉलो करना आप लोग भी एंड आपका जो GTA San Andreas है आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड होना 100% आपका रिसोर्स पैक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप लोगों को किसी प्रकार का कोई फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है फिक्स आउट करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।